हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ला लीगा टू लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा टेनेरिफ और मलागा के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, टेनेरिफ ला लीगा टू लीग में फिलहाल के टाइम पर 19 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें मलागा फिलहाल के टाइम पर 21 पोजीशन पर है। तो गाइस, दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल की देखने को मिलती है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए टेनेरिफ को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में मलागा के सामने मैच खेलती है अधिकतर मैचेस विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं टेनेरिफ को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लैंग्वेज हम बात करेंगे, जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से टेनेरिफ ने इस टीम के सामने 2 मैच विन किए हैं, 2 मैच ड्रॉ भी खेले और 2 मैच लॉस भी किए हैं। अटैक से 0.7 गोल पर मैच स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से भी 0.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो 50-50 रिजल्ट देखने को मिलता है तीनों फॉर्मेट में, अटैक से भी और डिफेंस से भी, और मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ और लॉस करने तक। अब बात करें, जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को मलागा इस टीम के सामने 2-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज मलागा ने उस मैच में 2 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। अगर ओवरऑल उस मैच को देखा जाए तो टेनेरिफ ने डिफेंस पर भी काफी अच्छा पोजीशन थी, प्लस अटैक पर भी, लेकिन मलागा ने उस मैच में 2 गोल कर दिए और विन कर गए। नहीं, मैच को विन करना था टेनेरिफ को, लेकिन लक भी साथ देता है तो मलागा के साथ दिया, और उसे मुकाबले फिर मलागा इस टीम के सामने 1-0 से इसी टीम के सामने विन कर गई, और उसे भी मुकाबले 1-0 से टेनेरिफ ने विन किया। और एक मैच इन दोनों टीमों के बीच में अटैकिंग ड्रॉ खेला गया, और उससे पहले मुकाबला फिर टेनेरिफ ने इस टीम से 2-0 से विन किया, और एक मैच इन दोनों टीमों के बीच में फिर से डिफेंसिव ड्रॉ खेला गया। तो परफॉर्मेंस अगर हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमों की तरफ से काफ़ी कम गोल देखने को मिलते हैं। मतलब जो टीम विन करती है वो वन साइडली विन कर लेती है, डिफेंस जल्दी से ये दोनों टीमें गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि डिफेंसिव गेम खेला जाता है। अटैक से 1-2 गोल आते हैं। अब 1-2 गोल वो कौन कौन से प्लेयर करेंगे वो मैं आपके लिए इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, ओके। वैसे भाई, वीडियो का ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, टेनेरिफ ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 1 मैच विन किया है, 2 मैच ड्रॉ खेले और 3 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.7 गोल पर मैच स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम फिलहाल के टाइम पर 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कर पा रही है, लेकिन डिफेंस ये टीम प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तो ये टीम पर मैच में 2 गोल तक भी कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली टेनेरिफ का देखा जाए तो अटैक भी डाउन है और डिफेंस एवरेज है। अब बात करें, जो पिछला मैच इबिजा के सामने ये टीम 1-0 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उसी के मुकाबले रेसिंग के सामने टीम 1-0 से मैच को विन किए, लेकिन ये मैच इस टीम ने अपना होम में खेला, होम में इस टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहता। फिर लेवांटे के सामने टीम 2-0 से मैच को लॉस किए, और एक मैच इस टीम ने लोगों के सामने अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेला, और वो मैच भी इस टीम ने अपने होम में खेला, और उसके मुकाबले ईबर के सामने टीम 2-1 से लॉस कर गई, और एक मैच इस टीम ने कार्टेगना के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला, और ये भी इस टीम ने अपने होम में खेला। तो होम में ये टीम जब भी खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग भी यही देखा गया है। अब बात करते हैं मलागा के जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, मलागा ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 1 मैच विन किया, 1 मैच ड्रॉ खेला और इस टीम ने तो 4 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का भी देखा जाए तो अटैकिंग वाइज इसका भी डाउन है और डिफेंस इससे भी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि ये टीम पर मैच में 1 और कभी कभी तो 2-3-4 गोल तक भी कंसीड कर देती है। अब बात करें, जो पिछला मैच इसका सामने टीम 1-0 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उससे भी मुकाबले ये टीम 2-1 से मैच को लॉस की है, और एक मैच इस टीम ने मिरांडेस के सामने 3-1 से विन किया है, और उससे भी मुकाबले 4-0 से लॉस किया, और एक मैच 1-0 से लॉस किया, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो पिछले 3 मैच इस टीम ने ऐसे खेले जिसमें इस टीम ने गोल कंसीड किया बल्कि गोल तक स्कोर नहीं किया, और 3 मैचेस में इस टीम का गोल आया भी है और गोल कंसीड भी किया है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक तो एवरेज है, लेकिन डिफेंस काफी डाउन देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो दोनों टीमें
सेम लेवल की पोजीशन पर हैं। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए, जो टीम अपने होम में मैच खेलती है अधिकतर वो मैच विन करती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती, और आज टेनेरिफ के होम में है। और रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेनेरिफ का जो परफॉर्मेंस है होम में तो काफ़ी शानदार रहता है रिसेंटली भी, और अटैक भी शानदार रहता है। और मलागा का जो परफॉर्मेंस रिसेंटली वो काफ़ी डाउन है अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में हल्की सी फेवरेट टीम टेनेरिफ देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं टेनेरिफ की फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में टेनेरिफ सिर्फ एक ही गोल स्कोर करेगी और इस टीम के सामने आज गोल कंसीड नहीं करेगी, तो इसलिए मैं अपना इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-0। और 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूंगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं टेनेरिफ के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे मलागा के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं टेनेरिफ के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर आप बिल्कुल नए हो रहा आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस मैच की 10 ग्रांड लीग टीम प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के टॉप के कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज, कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं टेनेरिफ के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस टेनेरिफ की तरफ से आपको इस मैच की लाइनअप इस तरह की देखने को मिलेगी, यही फॉर्मेशन रहेगी। इस फॉर्मेशन के अनुसार कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो यहाँ से इसके चारों डिफेंडर आप पिक कर लेना, क्योंकि क्लीन शीट का चांस थोड़े से टेनेरिफ के ज़्यादा है इस मैच में आने के, तो चारों डिफेंडर को आपको पिक कर सकते हो। अगर आपको किसी एक डिफेंडर को ड्रॉप करना है तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि सीपीसीस को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफेंसिव वर्क कम है, लेकिन बाकी सभी प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एक लो स्कोरिंग मैच में किसी अटैकर मतलब डिफेंडर में से कोई गोल और असिस्ट की उम्मीद कर रहे हो, तो यहाँ से नाचो मार्टिनेज एक टॉप प्लेयर है, इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो। फिर यहाँ से मेलोड भी अच्छा खासा प्लेयर रहेगा। हेडर में कार्लोस रुइज एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और इस टीम का कैप्टन भी है, तो आप इन्हें भी कैप्टन बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ से आपको मिडफील्ड में इस टीम की तरफ से रोबियो और यहाँ से कोरोडेरा और गोंजेलेज और यहाँ से मोहम्मद देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो अगर टॉप प्लेयर हैं जिनको पिक करना, देखो यहाँ से जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो आपके सामने यहाँ से वाल्डो रूबियो रहेगी। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी एरिक गारेगो, इस टीम की तरफ से टॉप बेस्ट प्लेयर है, मतलब ये प्रीवियस सीजन का टॉप हाइएस्ट गोल टेकर है, तो आप इनको पिक कर सकते हो। फिर यहाँ से बारसेस ने प्रीवियस मैच में गोल ही किया होम में, तो आप इनको कर सकते हो, लेकिन ये 90 मिनट नहीं खेलता, थोड़ा सा कंसर्न रहता है इसका, कभी कभी तो 60 मिनट खेलकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि दोनों टीम जो डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छे खेलती हैं, मतलब जब भी दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो डिफेंसिव गेम खेला जाता है, तो हम अधिकतर उन्हीं प्लेयर्स को पिक करेंगे जो 90 मिनट पूरे खेलते हैं। तो यहाँ से चारों डिफेंडर को हम ट्राई करेंगे। फिर यहाँ से गारेगो एक टॉप क्लास प्लेयर है, फिर यहाँ से कोरडेरा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा निकाल लेता है। ओके, अब यहाँ से बारगेस को मतलब गारगेस को अगर पिक करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। अब टेनेरिफ की तरफ जो हाइस्ट गोल टेकर वो आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ से प्रीवियस सीजन का टॉप हाइस्ट गोल टेकर एरिक मतलब एंड्रिक गारेगो, इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन में इसने 12 गोल किए थे और 5 असिस्ट निकाले। फिर यहाँ से इलादियो जोरिलो 11 गोल और 3 असिस्ट निकाले। फिर यहाँ से सैमुअल है जो कि 6 गोल और 4 असिस्ट निकाले। फिर यहाँ से मिगेल हेरेरो है 3 गोल 2 असिस्ट। बाकी सभी प्लेयर्स का इस तरह आप रिकॉर्ड को सेट मतलब रीड कर सकते हो। ओके, जो यहाँ से टॉप क्लास प्लेयर है जिनका गोल आने के चांस है, तो यहाँ से एंड्रिक टॉप क्लास प्लेयर है, इलाडियो जोरिलो अगर खेलेगा तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, शैमगोल है इस टीम की तरफ से एक एवरेज प्लेयर है, अगर आज के मैच में गोल कर दे वो बात अलग, लेकिन इसका कंटिन्यू गोल असिस्ट नहीं आता। ओके, बाकी सभी प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड है, तो यहाँ से जो टॉप क्लास प्लेयर है उनको मैंने राइट कर दिया है। अब बात करते हैं जो मलागा की टीम की तरफ से गोल और असिस्ट में कंट्रीब्यूट रहा वो मैं आपके लिए दिखाना चाहूँगा। तो लाइनअप आपको मलागा की इस तरह की देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप गोलकीपर बराबर के दोनों को टेस्ट होंगे इस मैच में, तो मुझे लगता है कि हमें टेनेरिफ के गोलकीपर को पिक करना है। ओके, अगर आपको किसी एक डिफेंडर को पिक करना है तो मैं यहाँ से जुआन फ्रान को लिए बोलूँगा, या आप जिमेनेज को पिक कर सकते हो, ये दोनों प्लेयर काफ़ी शानदार हैं और इंटरसेप्शन टैकल और पासेस का पॉइंट काफ़ी अच्छे निकाल के देते हैं। अगर हेडर वाइज जाना तो यहाँ से जुआंडे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हेडर में, ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, फिर बाकी यहाँ से अगर बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, तो यहाँ से गेलार एंड्रिक और यहाँ से इस्कासी और यहाँ से एलेक्स फेवस,
एलेक्स फेबस की मैं बता दूं, प्रीवियस हेड टू हेड मैच में इसी ने एक गोल किया था, तो आज भी इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर बना सकते हो। इस कापसी का कंफर्म नहीं रहता कि कंटिन्यू गोल है, कभी कभी आता, मतलब 25-30 मैच खेलेगा एक या दो गोल ही आएंगे। अभी प्रीवियस मैच में गोल कर चुका, तो मुझे नहीं लगता कि इसका गोल फिर से मैच में आएगा, तो इसलिए मैं इन्हें डिफेंसिव वर्क के लिए ले जा सकता, जो बिना गोल के 25-30 पॉइंट देने वाले प्लेयर रहते हैं उनमें। ओके, फिर यहाँ से रोनी कास्ट्रो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फ्रांस सोल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं। और फ्रांस सोल ने तो प्रीवियस सीजन ईबर के लिए खेला और ईबर की तरफ से इसने जब भी स्टार्ट किया परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया, गोल से भी और असिस्ट से भी, और डिफेंसिव वर्क भी इसका अच्छा आता है। तो यहाँ से अगर यही लाइनअप रही तो यहाँ से टॉप क्लास प्लेयर है रेस्ट्रो मतलब कास्ट्रो फ्रांस सोल, और यहाँ से फेवस, और यहाँ से हम पिक कर चलेंगे एक प्लेयर जिमनेज को या हम जॉन डे को, इन दो में से एक को पिक करेंगे, या आप जॉन फ्रान को रख सकते हो। अगर जॉन फ्रान इस पोजीशन खेलेगा तो मैं पिक नहीं करूँगा, अगर इस पोजीशन पर आ गए तो मैं इसको पिक कर लूँगा। ओके, तो मलागा की टीम की तरफ से जो टॉप हाइस्ट गोल टेकर हैं तो मैं आपके लिए बता दूँ, क्योंकि मलागा एक न्यू टीम है और इस टीम ने दूसरी टीम के क्लब के प्लेयर को साइन किया है। तो यहाँ से रोबेन कास्ट्रो प्रीवियस सीजन ये कार्टेगना के लिए खेला और इसने 20 गोल किए और 7 असिस्ट निकाले थे। फिर यहाँ से फ्रांस सोल ने ईबर के लिए खेला और 5 गोल किए और काफ़ी कम समय में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एलेक्स गैलर जिसने 3 गोल 6 असिस्ट कार्टेगना के लिए किए थे, और यहाँ से फ्रांसिस्को जो कि 4 गोल 5 असिस्ट गिजोन के लिए खेले, और यहाँ से एलेक्स फेबस जो कि प्रीवियस हेड टू हेड मैच में इसका एक गोल आया हुआ है, और रिसेंटली भी प्रीवियस सीजन इसने 2 गोल 1 असिस्ट निकाला था। ओके, फिर यहाँ से पैब्लो हार्वेस जो कि डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा करता है, अगर ये खेलेगा तो इनको पिक करके चल सकते हैं। जॉन फ्रान के लिए मैंने बोला कि अगर ये पोजीशन यहाँ पर खेले तो इनको जॉन फ्रान को तब ट्राई करना। ओके, फिर यहाँ से अल्फ्रेड एंडिया जो कि डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है, तो यहाँ से मैंने जो टॉप प्लेयर है उन्हीं को पिक करना जिनका ज़्यादा चांस रहे गोल को और 90 मिनट जो खेले। ओके, तो अब बात करते हैं इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने काफ़ी लो स्कोरिंग रखी है 1-0, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच ही होते हैं इन जो दोनों टीमों के बीच में जब भी आपस में खेलती हैं। तो 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहना चाहिए इस मैच जो हमारे शामोली टीम ड्रीम इलेवन पर, तो सीधा नजर डालते हैं इस मैच के ड्रीम इलेवन टीम पर। और अब इस वीडियो का सेकंड बेस्ट पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि इस मैच में एक फेवरेट टीम टेनेरिफ है, और टेनेरिफ का हम इस मैच में 7 प्लेयर पिक करेंगे, और मलागा मुझे इस मैच में एक एवरेज टीम लगी, तो इसलिए मैं इस टीम के सिर्फ 4 ही प्लेयर पिक करूँ। कुल मिलाकर हमें इस मैच में 11 प्लेयर्स को पिक करना है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स में बताऊँ तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो यहाँ से शोरी आनो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और रैना भी इस मैच में टेस्ट हो सकता है, लेकिन दोनों टीमें डिफेंसिव खेलती हैं तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों के जो गोलकीपर इस मैच में बराबर के टेस्ट होंगे। जिसको चाहे आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं शोरी आना को पिक करके चलता हूं। बात करें यहां से डिफेंडर सेक्शन, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी टेनेरिफ की तरफ से मार्टिनेज रहेगी, जो कि काफी अच्छा प्लेयर है और कभी कभी तो असिस्ट भी आ जाता है, तो इसलिए इनको पिक करके चलाऊं। फिर यहां से कार्लोस लुइस जो कि हेडर में काफी स्ट्रांग है, तो इनको पिक कर सकते हो। फिर मलागा की तरफ से आपको डिफेंडर देखने को मिलेंगे, अगर एक डिफेंडर ट्राई करना तो यहां से आप जुआन को पिक कर सकते हो, या एक प्लेयर्स और जो नीचे उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से अभी के लिए हम टॉप प्लेयर को पिक कर लेते हैं। फिर यहाँ से मिलोट अगर खेलेगा तो मिलोट को पिक करेंगे, या गोंजालेज खेलेगा तो गोंजालेज को पिक करेंगे। मुझे लगता है कि गोंजालेज ही खेलेगा, तो इसलिए इनको पिक कर चलेंगे। और यहाँ से सिप्सिस को ड्रॉ मतलब पिक करके चलेंगे, क्योंकि सिप्सिस थोड़ा बहुत पॉइंट दे जाएगा, क्लीन शीट का पॉइंट आएगा तो कम से कम 20-25 पॉइंट इस मैच में दे जाएगा। और आपके लिए मैं बता दूं इस मैच में ज़्यादा पॉइंट नहीं आएंगे किसी भी प्लेयर्स के। ओके, फिर बाकी यहाँ जो प्लेयर्स आपके सामने दिख रहे हैं तो इनको मैं अभी के लिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करने वाला, तो आप भी ड्रॉप कर सकते हैं इनको। तो आप यहाँ से देखो जॉन फ्रानो और यहाँ से जिमनेज, इन दो में से एक को पिक कर सकते हो, जो आपको सही लगे उसको लेना। मैं अभी के लिए पिछली मैच के लाइनअप के अनुसार जिमनेज को पिक करके चलाऊँ। ओके, बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से वो काफ़ी बेहतरीन है, एलेक्स गैलर एक अच्छा प्लेयर है, एंडिया डिफेंसिव वर्क करता है, और बाकी यहाँ से जो और प्लेयर्स हैं पैब्लो हार्वेस जो कि डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एलेक्स फेबस जो कि हेड टू हेड मैचेस में इसका एक गोल आया हुआ है, तो आप इन्हें एक दो टीम में कैप्टन बना सकते हो। ओके, बाकी यहाँ से मैं किसी भी प्लेयर को नीचे से किसी को मतलब ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि खेलने के चांसेस इनके थोड़े से कम लग रहे हैं, तो इनको मैं सभी को ड्रॉप कर गया हूँ। तो यहाँ से जो मैं पिक करूँगा, यहाँ से हम रूबियो को पिक कर चलेंगे, और अभी फ्रान विलाबो को पिक कर सकते हैं या गैलर को पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से पिक करना चाहूँगा एलेक्स फेबस को पैब, और यहाँ से हम पिक कर चलेंगे हैरिस को। ओके, तो बाकी यहाँ सभी प्लेयर्स को हम ड्रॉप करके गए हैं। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो यहाँ से एनरिक गालिगो रहेगी, जो कि इस टीम की तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर था प्रीवियस सीजन, तो इसका चांस है गोल आने का। फिर यहाँ से फ्रान शोल है और यहाँ से कास्ट्रो है, तो इनको पिक कर सकते हो। यहाँ से गार्गेस ने रिसेंटली
होम में अपने में एक गोल किया था, लेकिन इतना कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं कि आज भी गोल कर दे, तो इसलिए मैं इनको अभी के लिए ड्रॉप कर गया हूँ। और यहाँ से हम एंट्री को पिक कर चले हैं, और यहाँ से हम पिक कर चले हैं अभी के लिए रोनी कास्त्रो को। आप चाहते हैं फ्रांसोर को पिक कर सकते, लेकिन मैं कास्त्रो को पिक करूँगा। क्यों? क्योंकि ये 90 मिनट खेलेगा इस मैच में, तो 90 मिनट जो खेलेगा उसके चांस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं गोल आने के। ओके, बाकी यहाँ से मैं किसी भी प्लेयर को आपके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर यहाँ से जोरेलो खेलता है तो जोरेलो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से सैमुअल शाशो खेलेगा तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ये टेनेरिफ की तरफ से है, लेकिन टेनेरिफ इनको स्टार्ट शायद ना कराए। तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है। याद रहे, ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के साथ कि कौन सा प्लेयर है जो 90 मिनट भी खेलेगा और बिना गोल का, अगर उसका गोल नहीं भी आएगा तो भी पॉइंट दे जाएगा, तो उसका अकॉर्डिंग फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में आपके लिए अपडेट कर दूंगा। कैप्टनसी की बात की जाए तो मैं अपनी टीम में कैप्टनसी अभी के लिए एनरिक गालिगो को पिक करके चला हूं। वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो मैं अभी के लिए नाचो मार्टिनेज को अपनी टीम के लिए एज ए वाइस कैप्टन बना चला हूं। आप यहां से रोनी कास्त्रो को बना सकते हो, और नेक्स्ट ऑप्शन एलेक्स फेवेस को बना सकते हो, आप चाहे और बाकी किसी भी प्लेयर्स को पिक करके ले सकते हो, लेकिन मेरी टीम अभी के लिए ये है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई एक लाइक करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए अपना ख्याल रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।